बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे घर में, जिसका नाम है नमस्कार देवियों सज्जनों, सभी का फिर से स्वागत है, जिसका नाम है कौन? नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका कई सर में, कौन रहेगा? उड़ दिया, कमलेट कर दिया। भाई साहब, ये बीच शो में क्या कर रहे हैं आप? और ये सेट क्यों नहीं लगा अभी तक? सर मुझे पता है इस उम्र में नींद कम आती है, लेकिन 8 बजे का शो का टाइम और आप 6 बजे चले आओगे, सेट कहाँ से लगेगा साहब? देखिए भाई साहब, वक्त से पहले आने में हमारी आदत है, और वैसे भी हमारे बाबूजी कहा करते हैं। अबे रमेश, सेटअप लगा कि नहीं? अरे लगाओ रे, लगा रहा हूँ साहब, लग गया। ये कौन है जो हमारे बीच सेंटेंस में घुस रहा है सर? और रमेश के पिताजी है। कौन रमेश? सर आप बहुत सवाल पूछते हो साहब, आपके मुंह से ना कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा सवाल निकलते हैं। एक और निकला, देखो 1984 में इंडियन हॉकी टीम के किस खिलाड़ी को ये क्या किया भाई साहब? डोलीजे थोड़ा और डालो, ये हॉकी का बॉल इधर रह गया। वो बोल रही है साहब, वो कोरोना है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, ओ भाई साहब किधर जा रहे हो आप? सब 8 बज गए, सो चालू करो। क्या बात कर रहे हो, 8 बज गए? ओ आज तो समय मेघों से भी तेजी से बढ़ रहा है। तो स्वागत है आप सभी का इस खेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा किसका पति? सोनी कौन बनेगा करोड़पति? तो आज हमारे सामने जो साथ खेलने आ रहे हैं, उनको देख के हम थोड़ा निशब्द हो जाते हैं। उनको देख हमारे दिल में शोले जगते रहते, वैसे तो हमारा दिल झंझीन का भरा हुआ है, लेकिन उनको देख के हमारी चीनी कम हो जाती है, चेहरे पे ब्लैक छा जाता है, अमिताभ का संविधान हो जाता है। प्लीज वेलकम ममता भावसर। ये पीकू का बुला बोल सीता, वो कैसे हो गया भाई साहब? अरे हूँ बिको बिको कौन बिको? एक्सपोर्ट एडवाइस। आप केजरीवाल को वोट देते हो क्या? तुमने कहीं ना खबर पड़ी भाई, पूछा नहीं फिर भी एडवाइस दे रहे चले आए। इसलिए तुम्हें कांग्रेस में आ जाओ जी, आपको कैसे पता चला? अरे आटली उम्र थी, रिटायर थता नहीं तुम्हें अच्छी हो गया ना भाई साहब, हम 102 नॉट आउट वाले हैं, इतनी जल्दी रिटायर नहीं होंगे। अच्छा बदल गया जो को गाइड આમાં તમે બધા પિક્ચર ની એક્ટિંગ કરશો ને, પણ એમને ખબર નહીં પડે એ અમિતાભ બચ્ચન હે। क्या कर रहे हैं बहन जी आप? कोई बात नहीं, ऐसा होता होता है, तो आइए बैठे यहाँ पे, शुरू करते हैं अपना। क्यों इतना घबराए हुए लग रहे हैं? अमिताभ बच्चन मेकअप अच्छा है आपका भी हमारी तरह, कोई बात नहीं, तो शो शुरू करते हैं। वैसे तो आपको शो के नियम पता हो गए, लेकिन थोड़े से फिर से एक बार हम दोहरा देते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस बीको। देखिए वहाँ से अगर एक और बार आप बीच में बोले तो आपकी हॉट सीट पर एक ऐसा क्वेश्चन मारेगा कि किसी भी एक्सपर्ट की एडवाइस आपको कोई लाइफ नहीं बचा पाएगी। मारो आ रहा तो अच्छा जी, तो अंग्रेजी था ही क्यों? सॉरी पुतिन भाई। हाँ जी, खेल को शुरू किया जाए। कोई बात, खेल शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। भाई साहब आपका बॉयफ्रेंड है वो क्या? वो मेरे को लगा एक पर्सनल क्वेश्चन पहले पूछ लेते तो था माहौल थोड़ा ठीक हो जाए ना। कोई बात नहीं, खेल शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। विमेंस डे के दिन एक मर्द अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी या अपनी बेटी का ही फोटो स्टेटस में क्यों डालता है? गर्लफ्रेंड का फोटो क्यों नहीं डालता? आपके ऑप्शन है, ए लोग क्या सोचेंगे, ऑप्शन बी जिन जिन को यह बोला है कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स वो क्या सोचेंगे, ऑप्शन सी बीवी क्या सोचेगी, या ऑप्शन डी गर्लफ्रेंड का पति क्या सोचेगा? टफ क्वेश्चन थोड़ा तो रहेगा।
कलर्स पे नहीं आता हमारा शो ऐसे एक्सपर्ट ना नहीं बनाई हो चलो मैं ऑप्शन बी के साथ जाना इनको दो पॉइंट पोलियो दे दो। तो यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे, कहीं जाइएगा मत। वैसे भी आप लोग कहाँ जाओगे, टू बीएचके के फ्लैट में रहते हो, हमारे जैसा थोड़ी है कि जलसा में खाते और प्रतीक्षा में सो जाता है। बिल्कुल सर, छोटे से ब्रेक के बाद भाई साहब ऐड भी हम ही करते हैं। जब अपना कोई भरोसा करता है तो इनके भरोसे की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, इसीलिए करोड़ों परिवार को फर्क साफ दिखाई देता है। खड़े लीजिए जन, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करें। फटाफट पाछा ही क्या भैया, सोनी तो ऐड थी, सोनी नहीं आईपीएल ही नहीं अभी हेड बाकी है। हां तो देवी सदन का स्वागत है आप सभी का एक फिर से एक बार एक नए शो में जिसका नाम है इंडिया के हुनरमंद। सजन आपके सामने पहुंच लेके आ रही है दानवी माली। वैसे तो गुजरात के छोटे बड़े गांव में पड़ी बड़ी है, कुछ दिन तो गुजारे गुजरात को, गुजरात के छोटे बड़े गांव में पड़ी हुई है लेकिन सबने एंटीला को छूते हैं। प्लीज वेलकम दानवी माली। प्रोडक्शन माइक ला। सौभाग्य है कि मैंने बच्चन जी के माइक ले लिया। सो वेल, मैं सबको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। सो नाम तो बता दिया खुद बच्चन जी ने, थैंक यू सो मच। ना काफी टाइम बाद कोविड के बाद शायद आज मैं काम कर रही हूँ, क्वाइट नर्वस भी हूँ थोड़ी सी, प्लीज संभाल लेना अगर कुछ गलती हो जाए तो। सो इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं मीडिया में हूँ, न्यूज एंकर हूँ, साथ ही मैं एडवोकेसी की पढ़ाई कर रही हूँ, विद दैट आई एम राइटर आल्सो। सो कविताएं लिखती हूँ, तो अभी दो कविताएं मैं आप सबके सामने सुनाने वाली हूँ। एक जो है कि जो औरत के अस्तित्व को दिखाती है कि औरत क्या है, और दूसरी जवानी तो बताएंगे हमने। सो शुरू करते हैं। एक औरत पूछती है कौन हूँ मैं, एक औरत पूछती है कौन हूँ मैं, एक कमजोर लाचार बेबस सहमी हुई वो औरत, एक कमजोर लाचार बेबस सहमी हुई वो औरत जो हमेशा खुद में ही गुम रहती है, वो जो कभी पिता के साये में चलती है, या वो जो कभी पति के पीछे चलती है, या फिर वो जो कभी इस समाज के पीछे चलती है, या फिर वो जो कभी इस दुनिया के मर्दों के पीछे चलती है। तो सुनो साहब, मैं वो हूँ जो दुर्गा है पर प्यार की मूरत बन के चलती है, जो दुर्गा है पर प्यार की मूरत बन के चलती है, मैं वो हूँ जो पिता के साये में नहीं पर पिता का साया बन के चलती है, मैं वो हूँ जो पिता के साये में नहीं पर पिता का साया बन के चलती है, मैं वो हूँ जो अच्छे बुरे सारे वक्त में, मैं वो हूँ जो अच्छे बुरे सारे वक्त में पति के साथ चलती है, मैं वो हूँ जो समाज के पीछे चल के भी पूरे समाज की नींद रखती है, मैं वो हूँ जो समाज के पीछे चल के भी पूरे समाज की नींद रखती है, मैं वो हूँ जो दुनिया के मर्दों के पीछे नहीं पर उनसे एक कदम आगे चल के दुनिया को संभाल के चलती है, मैं वो हूँ जो दुनिया को संभाल के चलती है। अंत में कहूंगी मैं वो हूँ जो अंत भी है और आरंभ भी है। सो आए दिन हम कुछ ना कुछ बातें करते ही रहते हैं, लाइक औरत ये है वो है बोलने को, आज मैं भी आई यहाँ पे बोल के चली जाऊंगी, आपने तालियां बजा ली, लेकिन एट द एंड किसी पे कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं है, तो शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए हमें हमेशा, ये मेरा पर्सनली सुझाव है आप सभी को। और इसी के साथ मैं अपनी दूसरी कविता बताना चाहूंगी। शायद किसी को पता हो तो भी कुछ दिन के पहले का एक किस्सा है कि जब एक पिता ने खुद
अपनी ही बेटी को मार कर उसका मरे हुए शव का रेप किया है और उसके बाद वो इतना निर्दय था कि वो खुद जाता है पुलिस स्टेशन में और वो कंप्लेन भी दर्ज करवाता है कि मेरी बेटी गुम है। मतलब क्या हो गया है, सब वैशी बन चुके हैं एक्चुअली में। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर है कि हमको कैसा बनना है, वैशी बनना है या अच्छा बनना है, वो हम पे निर्भर करता है। बाकी तो नजरिए की बात है, माँ तो अच्छे संस्कार देती है लेकिन लोगों पे डिपेंड करता है कि उनको उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सो कटाक्ष में लिखी गई मेरी ये कविता, बदलाव की परिभाषा ना मुझको समझाना तुम, बदलाव की परिभाषा ना मुझको समझाना तुम, खुद क्या हो वो अपने गिरबान में झांक लेना तुम, खुद क्या हो वो अपने गिरबान में झांक लेना तुम, क्योंकि कहते हो मर्द हो, क्योंकि कहते हो मर्द हूं, पर सुना है जब जब बिकती थी वो सड़कों पर बोलियां लगाने वाले तुम ही थे, पर सुना है जब जब बिकती थी वो सड़कों पर बोलियां लगाने वाले तुम ही थे, कहते हो मर्द हूं, कहते हो मर्द हूं, पर सुना है जब जब तुम पी कर आते थे अक्सर उसे मारा करते थे, कहते हो मर्द हूं, पर सुना है कुछ यूं कहते थे तुम, वो तुमसे आगे या तुमसे ऊपर तभी होगी जब तुम्हारे बिस्तर की शान होगी, वरना जिंदगी में उससे आगे और ऊपर हमेशा तुम ही रहोगे, कहते हो मर्द हो, पर सुना है परिवार को छोड़कर बड़ी हिम्मत दिखाकर वो आती है एक बहू बनकर और रिश्ता निभाती है एक बेटी बनकर, कभी तुम ही चले जाया करो दामाद बनकर और रिश्ता निभाओ बेटा बनकर, कहते हो मर्द हो, पर सुना है वो एक बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखकर भी बिना किसी शिकायत या स्वार्थ के उस बच्चे को नाम तुम्हारा दिया करती है, तो कभी तुम ही उसे अपने नाम का वजूद बता दिया करो, कहते हो मर्द हो, पर सुना है जिस्म उसका खूबसूरत होते हुए भी वो बातें रूह की किया करती है और तुम हो कि जिस्मों में ही उलझाया करते हो, कहते हो मर्द हो, पर सुना है। जितने भी लोग लिखते हैं उनके लिए सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहूंगी अंत में, लिखते तो बहुत है जनाब, लिखते तो बहुत है जनाब, पर शायरों की महफिल में लिखावट उन्हीं की तराशी जाती है जिनके अल्फाज दिल से निकलते हो और जज्बात आंखों से बहते। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ऐड के बाद, कौन बनेगा करोड़पति में? कोई रह गया? स्वागत है भाई साहब आपका भी, कौन बनेगा हुनरबाज में? हुनरबाज नहीं करोड़पति ना, कि क्यों करोड़पति, हुनरबाज करोड़पति थी गए के गोठवाने भाई साहब, सारे हुनरबाज करोड़पति बन गए तो नेपोटिज्म का क्या आचार बना के खाओगे? अमदा जी आपके लिए हम कुछ लाए, चलिए हम किसी को देते नहीं कुछ लेकिन आपके लिए कुछ लाए, ये लीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, प्लीज कॉल आफ्टर जया जी स्लिक। किसी को बताएगा मत, तो आगे बढ़ते हमारी स्केल में, ये रहा तुम्हें स्नैपचैट पर छो એટલે એમને આ વખતે મને એમ થયું કે હું પર્સનલ પ્રશ્ન પૂછું, કઈ વખતે તમે પૂછો તો બીજું કોણ હશે આપનો અગલા સવાલ, જલ્દી શાંત હોય બતાવ્યા, યે રહા આપકો અગલા સવાલ, વિમેન્સ ડે કે દિન જો ઇતની સારી કવિતા શાયરી લિખી જાતી હૈ વો સારી મેન્સ ડે આતે આતે જો ક્યું બન જાતી હૈ, આપકે ઓપ્શન્સ હૈ મેન વિલ બી મેન, ઓપ્શન બી મેન ઇટસેલ્ફ્સ આર જોક, ઓપ્શન સી મેન્સ કો જોક કે સિવા કોઈ ઓર સૂચના નહીં ઇઝીલી જોક બન જાતા હૈ, યા ઓપ્શન ડી મેન્સ ડે કે દિન સારે કવિ ગોવા ગયે હોતે હૈ ઇઝીલી જોક। आप मना एक्सपर्ट एडवाइज अपन इच्छा भाई साहब आपको दिल्ली दिया है, दिल्ली में बैठो ना, पंजाब में क्यों बीच में आ रहे हो?
पंजाब में तो पीएम नहीं खुशी है कि ऊंचा जवान हो तो किधर मैडम जल्दी से जवाब दे दीजिए हमारा बिग बॉस मैन हो गया बिग बॉस मैन ऑप्शन ए मैन विल बी आपको पूछा अरे एक्सपर्ट मत बोलो भाई साहब हम बिग बॉस में चले जाए आपको बीच में बोलना हो नहीं नहीं बिग बॉस में तो पण बाय वर्क कर दे ना हमें क्या भाई साहब हम होस्ट नहीं है हम कंटेस्टेंट के तौर पे जाते हैं बात करो बिग बॉस से नहीं जुड़ी तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इंडिया के ओनर पास में कैसा लगा आपको गुप्ता जी का परफॉर्मेंस रानी जी का परफॉर्मेंस कैसा लगा भाई साहब आपको हंसी आ रही है बोले बोले इधर माइक इधर बोले कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया सेलिब्रेटिंग द इंडियन ब्राइड वी आर रेडी फॉर दैट जवाब दीजिए यार क्या करते हैं ऐसे मैन विल बी मैन बिग बॉस चाहते हैं कि बिग बी आप कन्फेशन रूम में आए अरे बाप रे अंदर बोला था मकल एक और बात जोर से हंस लीजिए फिर हम चले जाएंगे ले जाए यार एक छोटा सा मिकाजी ब्रेक ब्रेक के बाद मिलेंगे